में डिस्कस किया था बेसिक थ्योरी अबाउट लूपिंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस किया था सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू लूपिंग स्टेटमेंट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स वी आर टेस्टिंग ड्यूरिंग एग्जांपल सेशन। थर्ड सेशन है डेवलपिंग प्रोग्राम्स यूजिंग लूपिंग एप्लीकेशन सॉरी यूजिंग लूपिंग स्टेटमेंट्स, ऑलरेडी बिगिनिंग में डिस्कस किया था। जब भी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम क्यों नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास टोटल थ्री अप्रोच पॉसिबल है, मे बी बाई यूजिंग फोर लूप, फाइव लूप और डू व्हाइल लूप, लेकिन इनमें से बेस्ट अप्रोच क्या होगा डिपेंड्स अपॉन सिचुएशंस। अगर नंबर ऑफ इटरेशंस एडवांस में फिक्स्ड है, मीन्स अगर आपको कोई भी लॉजिक 10 टाइम एग्जीक्यूट करना है, 5 टाइम एग्जीक्यूट करना है, 100 टाइम एग्जीक्यूट करना है, इफ नंबर ऑफ इटरेशंस आर अवेलेबल इन एग्जाम्पल इन एडवांस, देन इस केस में आपके लिए बेस्ट सूटेड लूप क्या है फोर लूप। नेक्स्ट में अगर नंबर ऑफ इटरेशन रन टाइम इनपुट पर डिपेंड कर दें, देन इस केस में यूज करेंगे व्हाइल लूप। अगर आपको पहले बॉडी एग्जीक्यूट करना है, देन कंडीशन टेस्ट करना, देन यूज करें डू व्हाइल लूप। जनरली कोई भी एप्लीकेशन सभी लूप्स का यूज करके बनाना पॉसिबल। फर्स्ट वन बेसिक एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन केस में डिस्कस करेंगे सब बेसिक्स, मीन्स जिसके बेसिस पर रिमेनिंग प्रोग्राम्स आपके लिए ईजिली कन्वर्ट करना है, ईजिली सॉल्व करना पॉसिबल होगा। मीन्स इसलिए प्रोग्राम ही सबसे सिंपल केस है, लेकिन अगर आप इसे एग्जांपल को कॉन्सेंट्रेट करोगे, प्रॉपरली चेक करोगे, मीन्स इनिशियली देखा जाए तो हो सकता है प्रोग्राम आप लोगों से ऑलरेडी आता हो या ऑलरेडी बनता हो, लेकिन फिर भी एक बार आपको एक कंप्लीट सेशन देखना है कि इसके थ्रू कुछ अदर नेक्स्ट कमिंग प्रोग्राम्स के बेसिक डिस्कस करूंगा, जिसके बेसिस पर आपके लिए किसी भी प्रोग्राम्स के लिए लॉजिक इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है। ये पर्टिकुलर आउटपुट इंपॉर्टेंट किस नहीं है आपको, मीन्स ओनली कॉन्सेंट्रेट करना प्रोसेस। इन दैट केस राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। जब भी आपके पास लूप्स के रिस्पेक्ट में कोई भी प्रोग्राम अवेलेबल है, प्रोग्राम गिवन है, सिचुएशन गिवन है, सबसे पहले इस केस में राइट डाउन कर लो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स। जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, फाइनली इस प्रोग्राम के थ्रू डिस्प्ले क्या कराना है, सम नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। रेंज क्या है इसके, मिनिमम क्या है 1 up to 10। इन दैट केस अगर इस केस में एक्सपेक्टेड आउटपुट की बात करें तो एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होगा इस केस में, फर्स्ट वन सबसे पहले क्या डिस्प्ले कराना है 1, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दिस इज योर एक्सपेक्टेड आउटपुट फ्रॉम दिस प्रोग्राम्स। मीन्स अगर आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट अवेलेबल, देन इसे 80% लॉजिक्स केवल इस गिवन सीरीज के बेस पर सॉल्व करना पॉसिबल है। इनिशियली मैंने डिस्कस किया था लूप्स के रिगार्डिंग में, लूप्स के लॉजिक्स 3 सेशन में डिवाइड करना पॉसिबल। फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन सेशन, सेकंड वन कंडीशंस, थर्ड वन मॉडिफिकेशंस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, फाइनली फोर्थ वन बॉडी सेशन, लाइक दैट। इन दैट केस अगर आपके पास एक्सपेक्टेड रिजल्ट या सीरीज अवेलेबल, देन इसके बेसिस पर बिगिनिंग 3 के डायरेक्टली राइट डाउन करना पॉसिबल। फर्स्ट वन किसी भी लूप के रिस्पेक्ट में सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इस वेरिएबल के केस में आप जिस वेरिएबल्स के थ्रू लूप को मैनेज करो या इटरेट करो, उस वेरिएबल का एग्जीक्यूशन किस वैल्यू से स्टार्ट करना है, इनिशियल वैल्यू। सभी लूप्स के रिस्पेक्ट में इनिशियल वैल्यू ऑलवेज क्या यूज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज और एनी सीरीज। इस सीरीज सबसे पहले आउटपुट्स के एक्सपेक्टेड आउटपुट के फॉर्म में आप राइट डाउन किया करो सीरीज, रिक्वायर्ड सीरीज, यानी इसमें कॉन्सेंट्रेट करोगे ऑलवेज फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू क्या बनेगा इस केस में, ऑलवेज इनिशियलाइजेशन, मीन्स लूप इटरेटिव वैल्यू ऑलवेज इनिशियलाइज किससे हुआ, फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सीरीज। नेक्स्ट केस क्या, कंडीशंस। कंडीशंस के केस में कॉन्सेंट्रेट करोगे लास्ट वैल्यू फोर कंडीशंस, बिकॉज फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग कहाँ से करना है 1 से, नेक्स्ट टाइम रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है 2, नेक्स्ट टाइम 3, 4, 5, 6, एवरी टाइम ये वैल्यू आसानी किस में आई में, आई में फर्स्ट टाइम क्या आसानी होना चाहिए 1, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होना चाहिए 2, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होना चाहिए 3, नेक्स्ट टाइम 4 एंड सो ऑन अप टू फाइनली कब तक मैनेज करना है, नेक्स्ट टाइम फाइनली आई का वैल्यू क्या हो जाए 10। जैसे ही आई का वैल्यू 11 होता है अगर, देन उस केस में कंडीशन या लूप टर्मिनेट करना, मीन्स फाइनली इस केस में कंडीशन क्या होना, जब तक आई का वैल्यू या तो 10 से छोटा है या 10 के इक्विवेलेंट है, तो इस केस में लास्ट वैल्यू क्या होगा ऑलवेज कंडीशन टू द लूप यूज क्या करें इस केस में, आई लेस देन इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट मॉडिफिकेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशंस, किसी भी लूप के रिस्पेक्ट में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन में
किस टाइप का एक्सप्रेशन प्रोवाइड होना चाहिए, सब इस केस में कौन सा लीड क्या करेंगे, अगेन गिवन आउटपुट और एक्सपेक्टेड सीरीज, इन दैट केस चेक करो सभी वैल्यूज में एग्जैक्टली डिफरेंस कितने का है, वन का, प्लस इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसलिए इनिशियलाइज मॉडिफिकेशन के केस में सप्लाई करोगे आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। सपोज दैट अगर ये डिफरेंस टू का होता लाइक टू फोर सिक्स लाइक दैट, पर इन वैल्यूज में टू का डिफरेंस है, देन इस केस में इंक्रीमेंट भी कितने से कराएंगे, टू से, लाइक आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। करेंट केस में गिवन केस में डिफरेंस कितने का है, वन का, इसलिए यूज क्या करें आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, और वी कैन से आई प्लस प्लस। दोनों के लॉजिकल मीनिंग कैसे हैं, एग्जैक्टली सेम। बॉडी बॉडी कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन प्रोग्राम टू प्रोग्राम, मीन्स प्रोग्राम में रिक्वायर्ड किस क्या है, रिक्वायर्ड किस क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इस लूप के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू वन है, देन डिस्प्ले क्या करा लेंगे वन, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू इंक्रीमेंट सी क्या हो जाएगा टू, डिस्प्ले क्या करा लेंगे टू, तो एवरी टाइम इस केस में डिस्प्ले क्या कराना है, वैल्यू ऑफ आई। वन मोर थिंग्स, जब भी किसी सीरीज के केस में किसी भी वैल्यूज के लिए ऑपरेशन अप्लाई करना है तो वो पर्टिकुलर ऑपरेशन इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए डायरेक्टली राइट डाउन करना पॉसिबल, किसी वैल्यूज के लिए ऑल वैल्यूज के लिए अगर कॉमन ऑपरेशन अप्लाई करना, वो ऑपरेशन ऑलवेज अप्लाई किसके लिए करोगे, इटरेटिव वेरिएबल्स, मे बी आई ए एक्स एनी थिंग। तो इस केस में डिस्प्ले क्या कराना, फर्स्ट टाइम वन, मीन्स फर्स्ट टाइम परफॉर्म क्या कराना, प्रिंट वन देन प्रिंट टू लाइक दैट। अब वन टू डायरेक्टली क्या, कॉन्स्टेंट वैल्यू, लेकिन आपको ऑलरेडी इस केस में श्योरिटी है वन टू मैनेज किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ आई, इसलिए प्रिंट क्या कराओ इस केस में, प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ आई। फाइनली इस केस में लॉजिक्स क्या होंगे, फोर लूप्स के थ्रू इंप्लीमेंट करा, फोर वॉइड मैन, मीन्स बिगिनिंग सेशन में डिस्कस किया था किसी प्रोग्राम को क्रिएट करने के टोटल सेशन कितने, फोर सेशन। फर्स्ट वन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशंस, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वन सिंगल वेरिएबल सफिशियंट है, वेरिएबल इंटीजर टाइप, मे बी आई, मे बी ए, मे बी एक्स, एनीथिंग, नॉट ओनली ऑलवेज आई, कोई भी वेरिएबल नेम यूज करना पॉसिबल है। देन इसके जस्ट बाद आप लूप को मैनेज करेंगे, सीरीज को मैनेज करेंगे, लूप सीरीज के केसेस में सबसे पहले इस प्रॉब्लम को राइट डाउन करा यूजिंग फोर लूप। फोर लूप के केसेस में ऑलरेडी डिस्कस किया था टोटल फोर सेशन होंगे, फर्स्ट वन इनिशियलाइजेशन, तो इनिशियलाइजेशन में प्रोवाइड क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू क्या है सीरीज के अंदर, वन, इसलिए आई को इनिशियलाइज करेंगे बाई वन। नेक्स्ट वन कंडीशंस, कंडीशन क्या है इस केस में, जब तक आई का वैल्यू या तो टेन से छोटा है, छोटा है उसके लिए यूज क्या करेंगे लेस देन, या फिर टेन के इक्वलेंट यूज करेंगे लेस देन इक्वल्स टेन। देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, सीरीज कितने डिफरेंस से ग्रो कर रहा है, वन से, तो इसलिए यूज करो आई इक्वल्स टू आई प्लस वन और मे बी आई प्लस प्लस। देन नेक्स्ट वन डिस्प्लेइंग बॉडी सेशन, बॉडी सेशन के केस में सिंपली डिस्प्ले क्या कराना है एवरी टाइम, वैल्यू ऑफ आई, फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू वन हुआ इसलिए क्या प्रिंट कराओ वन, नेक्स्ट टाइम टू, फाइनली इस केस में प्रिंट कराएंगे वैल्यू ऑफ आई, प्रिंट एफ परसेंट डी वैल्यू ऑफ आई लाइक दैट। देन चेक करें लूप करेंटली किस टाइप से वर्क करा है, किस वे में वर्क करेगा, इस फर्स्ट सेशन हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम लगे इस सेशन के अंदर, इस केस में कई सारे पॉइंट्स मुझे मेंशन करना, देन नेक्स्ट केस में प्रोग्राम्स आपके लिए इजीली बनाना पॉसिबल होगा। इसे प्रॉब्लम इजी है, लेकिन इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट केस है मैनेजिंग लॉजिक्स इन द फॉर्म ऑफ सीरीज, जब भी सीरीज के फॉर्म में ग्रो करोगे, देन अगर आपको कोई भी लॉजिक सीरीज के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहा है, देन किसी प्रोग्राम को इजीली इंप्लीमेंट करना पॉसिबल, क्यों, अगर सीरीज के फॉर्म में अवेलेबल, देन आपके पास फोर केस ऑलरेडी अवेलेबल, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ओनली कॉन्सेंट्रेट क्या करना है सिचुएशन, ओनली बॉडी सेशन। फर्स्ट वन, जब इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, सेकेंड स्टेप एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर वेरिएबल आई, इस केस में परफॉर्म क्या हो रहा है, मेमोरी एलोकेशन फॉर वेरिएबल आई, प्लस जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, प्रोग्राम का आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए ऑलवेज रिक्वायर्ड क्या हुआ, सम मॉनिटर विंडो लाइक दैट। देन टू थर्ड केस में सबसे पहले परफॉर्म क्या हुआ, इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आई का इनिशियल वैल्यू क्या आ रहा है, इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हुआ, आई इज इनिशियलाइज्ड बाय वन। नेक्स्ट वन, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के रिस्पेक्ट में टेन टाइम्स तक मैं चला गया, इस केस में मैं कंसीडर कर रहा हूँ समथिंग अप टू थ्री, अगर मुझे काउंटिंग नंबर डिस्प्ले कराना है लाइक अ वन टू थ्री, कंडीशन इस केस में इनिशियलाइजेशन किससे होगा, वन से, कंडीशन में क्या आएगा, आई लेस देन इक्वल्स टू थ्री, प्लस अभी भी डिफरेंस कितने का है वन का, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा, वन से। डायग्राम के रिस्पेक्ट में ओनली थ्री टाइम रिट्रीट करना चाहता हूँ इसको, फर्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के अकॉर्डिंग आई में कैसा हो गया वन, नेक्स्ट टाइम इनिशियलाइजेशन के बाद सेकंड केस क्या रहता है, कंडीशन टेस्टिंग,
तो इसमें इसको सीक्वेंस फॉरवर्ड करेंगे एज अ फोर्थ, थर्ड की बार नेक्स्ट सीक्वेंस क्या है फोर्थ केस। कंडीशन टेस्टिंग में आई के प्लेसेस पर आई का वैल्यू रिप्लेस करा हुआ, आई का करेंटली वैल्यू क्या है वन, वन लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन चांस किसको प्रोवाइड होगा बॉडी, बॉडी के अकॉर्डिंग चांस किसको मिलेगा प्रिंट एफ फंक्शन को, प्रिंट एफ में आई का वैल्यू क्या है वन, तो डिस्प्ले भी क्या हुआ उससे ऑल्सो वन, देन स्पेस नेक्स्ट टाइम बॉडी के जस्ट बाद टेस्ट क्या हुआ इंक्रीमेंट इन आई फिफ्थ, देन सिक्स्थ केस क्या है इंक्रीमेंट आई प्लस प्लस आई कम्स टू, नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग सेवन, कंडीशन टेस्ट करो देन आई का वैल्यू टू फाउंड हो रहा है इसलिए आई के प्लेस पर क्या रिप्लेस कराएंगे टू, टू लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन अगेन ट्रू, कंडीशन टू देन कंट्रोल अगेन कहाँ सेंड हुआ इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर डिस्प्ले कराएंगे अगेन वैल्यू ऑफ आई, और आई का वैल्यू क्या इसके इसमें सिक्वेंस क्या इसका सेवन का एट, आई का वैल्यू टू फाउंड हो रहा है इसलिए प्रिंट एफ से डिस्प्ले भी क्या हुआ वैल्यू एज टू, नेक्स्ट वन कंडीशन के बॉडी के जस्ट बाद कंट्रोल अगेन कहाँ सेंड करेंगे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, नाउ अगेन आई प्लस प्लस नाइन्थ केस आई कम्स थ्री, अगेन कंडीशन टेस्टिंग थ्री लेस देन इक्वल्स टू थ्री, कंडीशन अगेन ट्रू, केस क्या इसका सिक्वेंस टेन, कंडीशन टू है फिर से बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ जाए इलेवंथ केस, प्रिंट एफ डिस्प्ले वैल्यू ऑफ आई और आई वैल्यू क्या है थ्री इसलिए प्रिंट भी क्या हुआ इससे थ्री, नेक्स्ट टाइम इस टाइप से अगर आपने इस प्लेस पर टेन प्रोवाइड किया होता फाइनली एवरी टाइम आई में इंक्रीमेंट हुआ इस टाइप से लूप चलता रहता सेम सिक्वेंस मीन्स थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू टेन, देन मैसेज भी क्या प्रिंट होता है थ्री फोर फाइव अप टू टेन, फाइनली मैसेज प्रिंट होने के बाद सपोज देयर लास्ट टाइम रिसेंट वैल्यू आई की वैल्यू क्या टेन, टेन प्रिंट होने के जस्ट बाद अगेन फिर से परफॉर्म किया हुआ आई प्लस प्लस, तो आई की वैल्यू क्या हो जाए इस केस में इलेवन, देन कंडीशन टेस्टिंग, कंडीशन क्या है आई वैल्यू बिकम्स इलेवन, इलेवन लेस देन इक्वल्स टू टेन, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है कर्सर का जाए आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, इस टाइप से कोई भी सीरीज लूप्स के थ्रू मैनेज करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन सेम प्रोग्राम मैंने एक्सप्लेन किया था, सेम प्रोग्राम व्हाइल लूप के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है, डू व्हाइल के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है, व्हाट इज द इक्विवेलेंट लॉजिक्स फॉर दिस प्रोग्राम यूजिंग व्हाइल लूप, अगर सेम प्रोग्राम व्हाइल के थ्रू इंप्लीमेंट करना था इसके इसमें लॉजिक्स क्या होंगे वॉइड मैन प्रोवाइडिंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इंटीजर आई, फर्स्ट स्टेप क्या है इनिशियलाइजेशन, व्हाइल के केस में स्टार्टिंग में सिंटैक्सिस नोट डाउन कराया था इनिशियलाइजेशन कहाँ प्रोवाइड करें जस्ट बिफोर कंडीशन आई इक्वल्स टू वन, दिस वन इज इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू टेन, देन बॉडी, बॉडी के केस में डिस्प्ले क्या कराना था एवरी टाइम वैल्यू ऑफ आई परसेंट डी वैल्यू ऑफ आई, देन बॉडी के जस्ट बाद क्या था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, व्हाइल के केस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बॉडी के एंड सेशन में राइट करेंगे एज अ लास्ट स्टेटमेंट, देन क्लोजिंग, इस स्टाइल से सेम लॉजिक से दोनों केस में लॉजिक्स के मीनिंग्स कैसे हैं लॉजिकली इक्विवेलेंट, देयर इज नो डिफरेंस, अगर सेम प्रोग्राम डू व्हाइल के थ्रू इंप्लीमेंट करना है अगेन वॉइड मैन यूजिंग डू व्हाइल, अगेन वेरिएबल डिक्लेरेशंस इंटीजर आई इनिशियलाइजेशन आई इक्वल्स टू वन एंड बॉडी ऑफ लूप, डिस्प्ले क्या कराना इसके इसमें प्रिंट एफ एवरी टाइम वैल्यू ऑफ आई, आई वैल्यू डिस्प्ले कराने जस्ट वन, नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आई प्लस प्लस, नेक्स्ट वन कंडीशन टेस्टिंग टूवर्ड क्या करेंगे व्हाइल लूप कब तक चलाना जब तक आई का वैल्यू टेन से छोटा आई लेस देन इक्वल्स टू टेन, देन क्लोजिंग, इन सर तीनों ही प्रोग्राम्स के लॉजिकली मीनिंग कैसे हैं एग्जैक्टली सेम, अगर तीनों ही प्रोग्राम्स को आप टाइप करके एग्जीक्यूट कराओ आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा वन टू टेन, नेक्स्ट अदर प्रोग्राम सेम केस में डिस्प्ले कराएंगे।